दोस्तों आज जिस किताब की बात होने वाली है उसका नाम है द फास्ट डाइट बाय माइकल मोजले एंड मिमी स्पेंसर, 2013 की किताब है। तो ये किताब आज की सबसे पॉपुलर डाइट जिसे लोग फॉलो करते हैं इंटरमिटेंट डाइट या IF के हेल्थ बेनिफिट को बताती है। 2015 में ये दोबारा रिवाइज एडिशन में आई थी जिसमें डाइटर्स ने एक्सरसाइज करने पर भी जोर दिया ताकि आप IF के थ्रू ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। इसके पीछे की बेसिक साइंस हमेशा से सेम ही है कि किसी भी डाइट के थ्रू अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या बैलेंस वेट करना चाहते हैं तो इसका सिंपल साइंटिफिक फार्मूला है कैलोरी डेफिसिट। यानी अगर आपके दिन की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और आप 2500 कैलोरी के बराबर खाते हैं तो जो 500 कैलोरी का सरप्लस है वो फैट सेल में स्टोर हो जाता है और मोटापा और चर्बी बढ़ जाती है। पर अगर आप उस 2000 कैलोरी जो आवश्यक है उसके बजाय 1500 कैलोरी की डाइट पर हैं तो जो ज़्यादा स्टोर्ड फैट है वो एज एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और शरीर की चर्बी या फैट कम हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी कम ना करके 2000 के बजाय 1700 कैलोरी खाएं, पर आप खर्च में और 500 कैलोरी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज से, गेम से, स्पोर्ट्स से, डांस से उसे बर्न करके और आप पतले हो सकते हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हैं कि वो कहते हैं कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ, पानी पीता हूँ, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। तो वो कहीं ना कहीं साइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। साइंस गलत नहीं होती है दोस्तों, हम गलत हो सकते हैं। तो इस किताब में इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे बताए गए हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कि वज़न कम होता है, चर्बी कम होती है, आप ज़्यादा आकर्षक, जवान, हेल्दी और फिट दिखते हैं, शरीर में ज़्यादा तरोताजगी रहती है। उसके साथ साथ बहुत सारी जो डिज़ीज़ होती हैं IF से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, डायबिटीज़ 2 कम होती है, अल्जाइमर डिज़ीज़ का ख़तरा कम होता है, कैंसर होने का ख़तरा कम होता है, डिप्रेशन का ख़तरा कम होता है। इसे फॉलो करना भी आसान है, पर उससे पहले आपको समझना होगा कि ये है कैसे और इसके अंदर आप अपने आप को कैसे फिट कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं कि आप 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे फास्टिंग करेंगे, ऐसे ही कहीं एक दिन खाएंगे, एक दिन फास्टिंग करेंगे, ऐसे ही कई सारे मॉडल हैं। तो जो सबसे प्रैक्टिकल मॉडल है वो यही है कि 8 घंटे आप खाएंगे और 16 घंटे की फास्टिंग रहेगी। तो इसके अंदर आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके बचपन से आपके परिवार में खाने का क्या माहौल रहा है और आपके ऊपर क्या सूटेबल है कि जिससे बिना किसी टेंशन के आप इसे फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 8 घंटे नॉर्मल जो खाना आप खाते हैं दिन में वो खाते हैं और 5 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे और अगले दिन सुबह 9 बजे से फिर 9 से 5 तक खाएंगे, तो इसमें देखना है कि जिन लोगों के घर में शाम को जल्दी खाना खाया जाता है तो वो इसे किसी हद तक फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही आप 6 बजे खाना खा के और अगले दिन 10 बजे से दोबारा शुरू कर सकते हैं या 7 बजे लास्ट मील लेके लास्ट खाना खा के अगले दिन 11 बजे से 7 बजे तक दोबारा खाना खा सकते हैं। तो इसमें 8 से 10 घंटे तो आपके सोने में ही निकल जाते हैं। एक तरीके से सुबह जो नाश्ते वाली फास्टिंग होती है और शाम को खाना खाने के बाद सोने तक का जो टाइम होता है उस बीच में आप 0 कैलोरी के फूड जैसे कि ब्लैक टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें ले सकते हैं जिनमें कैलोरी ना हो। तो इसके जरिए आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग से शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है या जो इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी जो बीमारियां होती हैं वो कम होती हैं। हम इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो जब एक स्टडी में देखा गया कि जब हम दिन में कई बार छोटे मील खाते हैं यानी कम कम अमाउंट में कई बार खाते हैं तो काम धारणा है कि उससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है। इस पर एक रिसर्च की गई डायबिटीज़ के एक ग्रुप में देखा गया कि जिनको 1700 कैलोरी के बराबर का फूड दिन में सिर्फ 2 बार दिया गया और दूसरे ग्रुप के अंदर 1700 कैलोरी के बराबर का फूड दिन में
छः बार दिया गया, तो जिस ग्रुप को दो बार दिया गया उन्होंने ज़्यादा वेट लॉस किया, ज़्यादा इंच लॉस किया, बजाय उनके जिन्होंने दिन में कई बार खाना खाया। तो कई बार लोगों को डर रहता है कि कहीं हम भूखे ना रह जाएं और भूख ना लगे, तो तब भी वो इसी आदत की वजह से दोबारा खाना खा लेते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर नेचर पत्रिका में एक आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से या फास्टिंग करने से IGF-1 जिसे बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, वो कम हो जाता है। और देखा गया है कि IGF-1 अगर बॉडी में कम है तो कैंसर का खतरा कम होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ऐसा देखा गया कि जो जेनेटिकली एक्सपेरिमेंटल माउस था उसके अंदर IGF-1 नहीं बनता था, और दूसरा वो जिसके अंदर बनता था, तो देखा गया कि जिसके अंदर कम बनता था वो दुगनी उम्र जिए उस दूसरे माउस के मुकाबले, और उनको कैंसर और डायबिटीज़ दोनों बीमारियां नहीं हुई IGF के कम लेवल की वजह से। ह्यूमन में ये एक्सपेरिमेंट एक लैरोन सिंड्रोम होता है। लैरोन सिंड्रोम में क्या होता है कि IGF नेचुरली बहुत कम बनता है, तो देखा गया कि उन्हीं एज ग्रुप के अंदर सेम मैच्ड पॉपुलेशन में उसी एरिया में देखा गया कि उस एरिया के दूसरे लोगों में कंपैरेटिवली ज़्यादा कैंसर हुए बजाय लैरोन सिंड्रोम के। इसी प्रकार से अल्जाइमर डिजीज़ जो कि एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है जिसमें एज बढ़ने के साथ साथ आपकी ब्रेन की सेल्स ख़त्म होती जाती हैं और इंसान जल्दी भूलने लगता है, बहुत सारे मोटर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनकी चलने की ताकत चली जाती है, ट्रेमर्स आते हैं। तो फास्टिंग के एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड माउस और नॉर्मल माउस के अंदर, तो जो फास्टिंग में देखा गया कि जो फास्टिंग वाला माउस था उसके अंदर जो ये अल्जाइमर डिजीज़ थी वो कम आई। क्यों कम आई? क्योंकि फास्टिंग के बाद देखा गया कि ब्रेन के अंदर ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये एक प्रोटीन होती है, वो बढ़ जाती है। तो इस प्रोटीन का काम ये होता है कि जब वो माउस फास्टिंग पे था तो वो जो नई प्रोटीन है BDNF, इससे हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहाँ ज़्यादा नर्व सेल मिलती हैं। अब हिप्पोकैम्पस का काम होता है लर्निंग और मेमोरी, तो वहाँ अगर ज़्यादा नई सेल्स बनेंगी तो लर्निंग और मेमोरी अच्छी होगी। तो कुल मिला के फास्टिंग से हिप्पोकैम्पस के अंदर नर्व सेल्स ज़्यादा बनती हैं, मेमोरी अच्छी रहती है, तो फास्टिंग हेल्प्स इन अल्जाइमर, ये निष्कर्ष निकाला गया। इसी BDNF को एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इसके होने से वही इफ़ेक्ट रैट के ब्रेन में आते हैं जब हम किसी इंसान को, ह्यूमन को, डिप्रेशन होने पे एंटी डिप्रेशन वाली दवाइयाँ देते हैं। तो ये भी माना गया कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग करने पे अल्जाइमर तो डिले होता ही होता है, डिप्रेशन भी कम होता है और हम ज़्यादा हैप्पी बनते हैं। इसी प्रकार से IF जब आप बहुत सा कार्ब फूड में खाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, खाने के बाद ब्लड में तेज़ी से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो ग्लूकोज को टैकल करने के लिए पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, वो ज़्यादा रिलीज होता है, तो वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसे लिवर में या मसल में स्टोर करा देता है, और इंसुलिन फैट सेल्स को बोलती है कि वो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी को एज फैट अपनी सेल्स में इकट्ठा कर ले, तो इस तरह से रखने के लिए उन्हें सेंसिटाइज भी करती है ज़्यादा इंसुलिन के होने से। तो कुछ समय बाद जब और ज़्यादा कार्ब होती जाएगी और कार्ब निकलती जाएगी, इंसुलिन भी और निकलता जाएगा, पर एक टाइम पे जाके इंसुलिन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इंसुलिन जिन रिसेप्टर पे जाके काम करता है वो हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब इतना हम नहीं झेल पाएंगे, तो उस इंसान को फिर डायबिटीज हो जाती है। तो देखा है कि फास्टिंग से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन जो है वो इफ़ेक्टिवली ग्लूकोज को टैकल कर पाता है, क्योंकि आप एक लिमिटेड पीरियड में खा रहे हैं, तो फैट सेल की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको भी देखा गया है IF ज़्यादा यूटिलाइज करने लगती है, और आप अपनी डायबिटीज़ को टैकल अच्छे से करते हैं और वेट लॉस भी करते हैं। तो IF यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो अस्थमा है, एक्जिमा है, अस्थमा लंग्स में है या एक्जिमा स्किन में है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस
जोड़ों के दर्द के लिए है। तो ये सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस का मतलब है कि बॉडी के अंदर फ्लेम इज़ इंक्रीजिंग, आर्थराइटिस के इनिशियल स्टेज इज़ इंक्रीजिंग। तो IF करने के बाद ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई, जैसे कि अस्थमा वालों की ब्रीदिंग इम्प्रूव हुई, एक्जिमा वालों की स्किन की एलर्जी इम्प्रूव हुई और RA वालों की आर्थराइटिस इम्प्रूव हुई। हालांकि साथ में बोला गया है कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट का यूज़ करते हैं वेट कम करने के लिए, उनको प्रॉब्लम आती है आर्थराइटिस में, क्योंकि उससे यूरिक एसिड या ऐसे मार्कर्स बढ़ते हैं जो आर्थराइटिस को प्रोवोकेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर आप फास्टिंग करेंगे, IF करेंगे, तो ये चीज़ नहीं होगी, आपको आर्थराइटिस में फ़ायदा होगा। तो राइटर ने खुद भी, वो ओवरवेट थे, खुद भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और अपने वेट को कम किया और उस चीज़ को, अपनी थ्योरी को प्रूव किया। तो कुल मिला के फाइनली समराइज करते हुए, IF को अपने अकॉर्डिंगली आप देखिए कि आपकी हैबिट्स कैसे हैं, क्या आप उसे अपना सकते हैं आपकी फीडिंग हैबिट के अनुसार। इससे फ़ायदे होते हैं, ये डायबिटीज़ को कम करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, अल्जाइमर डिजीज़ के खतरे को कम करता है, डिप्रेशन में फ़ायदा करता है, एक्जिमा में फ़ायदा करता है, अस्थमा में फ़ायदा करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फ़ायदा करता है, फाइनली आपकी एजिंग को, एज को इंक्रीज करता है। और इन सब से और फ़ायदा होता है, आपका वेट लॉस होता है, हैप्पीनेस आती है, अलर्टनेस आती है, लॉन्ग लाइफ मिलती है, सब कुछ फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग आज का एक हॉट केक वाला टॉपिक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। और बहुत कुछ है जानने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।